सो हाय गाइस, तो मित्रों और मित्रानियों, सबसे पहले आप लोग ये जान लो मैं आज के इस वीडियो के अंदर कुछ स्पेशल टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जिसमें कि दो टॉपिक तो आप सबका फेवरेट होने वाला है। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल का डिस्काउंट इवेंट के बारे में, एंड इसी के साथ मैं बात करने वाले हैं अपने इमोट पार्टी इवेंट के बारे में। बिकॉज आप लोग इमोट पार्टी के लिए इंतजार भी कर रहे थे, तो मैं आज इसके ऊपर भी बात करने वाला हूं और हां डेट भी कंफर्म करूंगा। वैसे गाइस देखो, मजे की बात तो यह है कि भाई जो डिस्काउंट इवेंट गेम के अंदर आने वाला है वो काफी कमाल का है। अप टू 90% तक आप सबको ऑफ मिलेंगे, बहुत सारे कम डायमंड में आप लोग काफी सारे बढ़िया बढ़िया रेयर आइटम्स को बाय कर सकते हो। एंड साथ में गाइस बात करने वाले हैं गेम के अंदर जो इमोट पार्टी इवेंट आएगा उसके अंदर कौन सा रियर इमोट को बैक कराया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल गाइस, और तो और आज हम बात करने वाले हैं अपने विंटरलैंड इवेंट के ऊपर। अपने गेम के अंदर कुछ चेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, तो मैं उसका भी रिव्यू आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। साथ साथ में गाइस बात कर लेंगे टू नाइट अपडेट के ऊपर, कल सुबह आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा अपने गेम के अंदर। अभी मजा आएगा ना वीडियो। वैसे गाइस देखो, सिर्फ इतने ही नहीं, इसके साथ में आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। उसके ऊपर काफी सारे तगड़े तगड़े अपडेट मेरे हाथ में लगा है, तो मैं आज वो भी कवर करने वाला हूं। सो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, और देखो लाइक करो चाहे ना करो ये सब डिपेंड आपको पर करता है, बस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Okay. बाकी आओ गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने टू नाइट आउट के बारे में। गाइस कल सुबह आप लोगों को अपने गेम के अंदर विंटरलैंड का इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली मैं कल के वीडियो के अंदर कवर किया था कि आप लोगों को कल सुबह गेम के अंदर विंटरलैंड का इवेंट आ जाएगा, लेकिन भाई गर्नाबल ने आज इसको नहीं दिया है। कारण आप लोग भी जानते हो, कभी कभार गर्ना को चूल मचता है, तो भाई कुछ इवेंट के अंदर छेड़खानी करते हैं। लेकिन देखो जो भी हो, गर्ना वाले कल अपने गेम के अंदर विंटरलैंड का इवेंट देने वाले हैं, ये 100% कंफर्म्ड है। गाइस देखो उसके थीम पे यहां पर एक बैनर निकल कर आ गया है, जैसे कि आप लोग गाइस यहां पर देख पा रहे हो अपने गेम के अंदर कुछ इस तरीके से आप लोगों को बैनर देखने को मिलने वाले हैं अपने विंटरलैंड का। और ये कंफर्म हो गया है आप सबको कल सुबह गेम के अंदर विंटरलैंड का मेन इवेंट देखने को मिल जाएंगे, साथ में कैलेंडर भी। बाकी जितने भी फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं वो मैं कल के वीडियो के अंदर दिखा दिया हूं। सो भाई मैं इस वीडियो के अंदर फिर से उसको नहीं दिखाने वाला, इसलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट अपडेट की। गाइस कल सुबह आप लोग को और एक नया इवेंट देखने को मिलने वाला है, अपना फेडर व्हील इवेंट, जो कि अपने साथ में एक नया एनिमेशन को भी लेकर आने वाला है। गाइस यहां पर मैं कंफर्म कर दूं, जो एनिमेशन गेम के अंदर आएगा वो दरअसल अपने विंटरलैंड का ही है, और वो विंटरलैंड का सबसे मेन एनिमेशन है। उसके अलावा कुछ और एनिमेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाले, सिर्फ एक ही एनिमेशन डिजाइन किया गया है अपने विंटरलैंड इवेंट के थीम पे, जिसका रिव्यू गाइस आप लोग यहां पर परो कुछ इस तरीके से आप लोगों को एनिमेशन वगैरह अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि साथ में जो और कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड्स वगैरह दिया गया है, इनमें सारे रिवॉर्ड आपको सेम है नहीं मिलेंगे, रिवॉर्ड गाइस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब गाइस देखो यहाँ पर मैं जितने भी अपडेट्स कवर किया हूँ ये सब था अपने टू नाइट अपडेट, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चेंजमेंट बताने वाला हूँ, हालांकि उसको भी अपने टू नाइट अपडेट के थ्रू ही गिना जाएगा, क्योंकि मैं कंफर्म कर दूं जो भी आपको मैं चेंजमेंट दिखाने वाला हूँ वो भी कल सुबह ही अपने गेम के अंदर हो जाएगा। गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, आप कल सुबह ही अपने गेम के अंदर अपने बरमुंडा रैंक में कुछ इस तरीके से आप लोगों को, मतलब बरमुंडा मैप के अंदर इस तरीके से आपको सुनो मैन देखने को मिलने वाले है, जिसको पास जाओगे तो आपको बस यूज करना है। देन गाइस देखो उस वाले सुनो मैन के अंदर से, एंड साथ में इस तरीके से अपने गेम के अंदर एक नया गिटार भी आने वाला है, इसको भी आप लोगों को यूज करना है। और ये दोनों आइटम्स के अंदर से आप लोगों को काफी सारे लूट जो है लूट वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर वीडियो के अंदर देख पा रहे हो गाइस, मैं इन दोनों आइटम को जैसे यूज किया तो भाई इसके अंदर से काफी सारे लूट जो है मुझे मिल गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ गुलवल मिला है, साथ में कुछ ग्रेनेड वगैरह देखने को मिला है। सो गाइस देखो ये भी कुछ चेंजमेंट है जो कि आप सबको कल सुबह अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले, बिकॉज विंटर इवेंट कल सुबह गेम के अंदर आएगा, तो भाई ये सारा चेंजमेंट को भी कल सुबह गेम के अंदर कर दिया जाने वाला है। आगे से आप लोग गेम प्ले करने पर थोड़ा सा और ज्यादा मजा आएगा। वैसे हमें और एक चीज कंफर्म कर दूं गाइस, देखो हर साल की तरह आप सबको लॉबी के अंदर और साथ में गेम प्ले करते दौरान बरमुंडा मैप के अंदर आपको हर जगह पर थोड़ा सा स्नो वगैरह इफेक्ट वगैरह देखने को मिलने वाला है, जो कि मैप को थोड़ा सा और ज्यादा मतलब खेलने में बढ़िया लगने वाला है। बाकी गाइस को कुल मिलाकर यही कुछ अपडेट्स था एंड चेंजमेंट था जो कि आज के लिए बस टू नाइट अपडेट है। अब बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। बाकी गाइस यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इनक्यूबेटर के ऊपर। अब देखो आप लोगों को पता है कि भाई काफी समय से अपने गेम के अंदर कुछ न्यू इनक्यूबेटर नहीं आ रहा है, बस दो दो बंडल अपने इनक्यूबेटर के अंदर करने वाले दे रहा है। लेकिन गाइस देखो जितना मेरे हाथ में लीक्स वगैरह आया है, मैं लीक के अकॉर्डिंग बताऊं तो भाई एक ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप सबको यकीन नहीं होगा। बेसिकली गाइस देखो अपने गेम के अंदर कुछ ऐसे इनक्यूबेटर आप लोग को आने वाले और दो तीन देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल सही सुनो, आप लोग को न्यू इनक्यूबेटर देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे दो दो बंडल आएगा और दो तीन बार, जितना मेरे हाथ में लीक्स आया मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। देखो इसका जो वजह है वो कुछ ऐसा है गाइस, अपने गेम के अंदर विंटर के थीम पे कुछ भी न्यू इनक्यूबेटर को गर्नर ने डिजाइन नहीं किया है। जो भी इनक्यूबेटर डिजाइन है वो डिजाइन किया गया है अपने एंजेलिक इवेंट के थीम पे, और अभी गेम के अंदर एंजेलिक का इवेंट आया नहीं है, तो भाई इसलिए जब तक एंजेलिक का इवेंट नहीं आता है तब तक गाइस गर्नर वाले चाहकर भी अपने गेम के अंदर कुछ न्यू इनक्यूबेटर को दे नहीं पाएंगे। सो तब तक गाइस आप लोगों को ऐसे करके दो दो बंडल अपने इनक्यूबेटर के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे आएगा बस 7 दिन 8 दिन कुछ इस तरीके से, लेकिन हाँ अपना जो एंजेलिक के थीम पे डिजाइन किया गया इनक्यूबेटर है वो भी गेम के अंदर बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके पहले गर्नर वाले को गेम के अंदर पहले एंजेलिक का इवेंट लाना होगा, और इवेंट आने के बाद ही आप सबको एंजेलिक के थीम पे डिजाइन किया गया बंडल और वेक्टर गन स्किन दोनों अपने इनक्यूबेटर के अंदर आ जाएगा। सो गाइस देखो कुछ यही अपडेट्स था अपने इनक्यूबेटर के ऊपर। अब देखते हैं गर्नर वाले क्या कुछ कराते हैं। बाकी जो भी आपको मैं बताया हूं ये सब मेरे पास इतना लीक आया था, मैं उसके अकॉर्डिंग बात किया हूं, तो अब गर्नर
पहले उसको चेंज भी कर सकते हैं। वैसे गाइस देखो, जैसे गेम के अंदर से अपना न्यू इनकोडर आना होगा उसके एक दो दिन पहले आपको मैं कंफर्म कर देने वाला हूँ कि भाई कौन सा इनकोडर इस बार गेम के अंदर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कुछ और अपडेट्स के ऊपर। हालांकि गाइस देखो, अब बस दो ही अपडेट बचता है, जिसमें एक होने वाला है अपना इमोट पार्टी का इवेंट एंड दूसरा का होने वाला है अपना मेगा डिस्काउंट इवेंट। तो पहले मैं इमोट पार्टी इवेंट को कंफर्म कर देता हूँ और उसके बाद गाइस हम बात कर लेंगे अपने मेगा डिस्काउंट इवेंट के बारे में। गाइस देखो, यहाँ पर अपना जो इमोट पार्टी इवेंट है उसके ऊपर पूरा फुल प्रे एक्सेस या फिर काजे पूरा इसका फुल रिव्यू निकल कर आ गया है, कैसे गेम के अंदर इमोट पार्टी का इवेंट जो इस बार आएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर रिव्यू के अंदर देख पा रहे हो, बेसिकली आप लोग यहाँ पर जो मेन इमोट देख पा रहे हो जो कि पेट के ऊपर कुछ बैठा हुआ है एंड भाई ये पता नहीं क्या इमोट है, लेकिन यार देखो जो भी हो ये वाला जो इमोट है ये अपने इमोट पार्टी इवेंट का मेन रिवॉर्ड्स रहने वाला है, जिसको लेने के लिए आप लोग को 900 डायमंड खर्च करना पड़ेगा। देन जाके आप लोग को ये जो मेन इमोट है ये देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक बिल्कुल न्यू इमोट है। अब बात करते हैं ओल्ड इमोट कौन सा इमोट को इसके अंदर बैक कराया जाएगा। गाइस देखो, पिछले महीने पे आप सबको इमोट पार्टी इवेंट गेम के अंदर देखने को मिला था जिसके अंदर की रोज इमोट को बैक दिया गया था। तो भाई इतना तो कंफर्म है कि आप सबको इस बार अपने गेम के अंदर रोज इमोट तो बैक देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं कि आप सबको अपना जो थ्रोन इमोट है वो आप सबको अपने इमोट पार्टी इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए या फिर उसके जगह आपको फ्लैग इमोट भी देखने को मिल सकता है। वैसे हाँ, वो बात अलग है, करने वाले को और लगता है कि भाई कुछ और भी रियर इमोट हम इसके अंदर दे सकते हैं तो भाई करने वाले जरूर दे देंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि आप सबको अपना जो रोज इमोट है वो तो देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं डेट की, भाई कब तक गेम के अंदर इमोट पार्टी इवेंट आ सकता है। गाइस देखो, यहां पर डेट जो कंफर्म हुआ है वो है 19 से लेकर 23 दिसंबर। सो गाइस देखो, ऐसे भी हो सकता है कि भाई कल सुबह आप लोग को अपने गेम के अंदर इमोट पार्टी का इवेंट देखने को मिल जाए, बिकॉज मैं जिस दिन वीडियो को बना रहा हूँ आज तो 18 दिसंबर है एंड भाई आप लोग जब वीडियो को देख रहे हो तब तक भाई 19 दिसंबर हो गया होगा और आप लोग को 19 दिसंबर के दिन गेम के अंदर इमोट पार्टी इवेंट जो देखने को मिल सकता है। अब चांसेस ये दिया गया है, बाकी साथ में ये भी कंफर्म किया कि 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में इमोट पार्टी इवेंट आएगा। बस देखना यह है कि भाई करने वाले किस दिन को अपने गेम के अंदर इमोट पार्टी इवेंट को देते हैं। बाकी यहाँ पर गाइस मैं डेट एंड रिवॉर्ड सब कुछ कंफर्म कर दिया हूं अपने इमोट पार्टी इवेंट का। सो अब बात करते हैं अपने डिस्काउंट इवेंट के ऊपर। अब गाइस को काफी सारे सर्वर के अंदर अपने लकी व्हील इवेंट को दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया इवेंट होता है एंड इसके अंदर आप लोग जानते हो कि भाई ऑलमोस्ट आप लोग को 1 by 1 डिस्काउंट भी मिलता है, कभी कभी भाई 1 by 1 में सारे आइटम बाई कर सकते हो, जो कि देखे जाएगा दोस्तों और किसी भी इवेंट के अंदर आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी बात करें रिवॉर्ड्स की, इसके अंदर काफी सारे बंडल वगैरह दिया गया है, आप लोग यहाँ पर बंडल वगैरह देख पा रहे हो। जो बंडल आपको मैं रिव्यू कर रहा हूँ बेसिकली सब कंफर्म हुआ था, एक था अपने गोल्ड ऑयल का जो कि मेल बंडल था, जो फीमेल बंडल है गाइस ये आने वाला था अपने एफएफ टोकन के अंदर, हालांकि बाद में गणना ने इसको चेंज कर दिया गया है करके अपने लकी व्हील इवेंट के अंदर दे दिया गया है। सो चांसेस काफी ज्यादा बनता है कि भाई आप सबको अपने गेम के अंदर लकी व्हील इवेंट बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। हालांकि गाइस को मैं कल वाले वीडियो के अंदर ये बात को मैं फुल्ली कंफर्म कर देने वाला हूं कि भाई अपने गेम के अंदर लकी व्हील का इवेंट आएगा या फिर नहीं आएगा, और मैं कल इसलिए कंफर्म करूंगा बिकॉज कल अपने गेम के अंदर विंटरलैंड का इवेंट आएगा और अगर आप लोग को विंटरलैंड इवेंट के जो बैनर है बैनर के अंदर अगर दिख जाए कि भाई आप सबको मिस्ट्री शॉप का इवेंट देखने को मिलने वाले हैं तो भाई लकी व्हील कैंसिल हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप लोग को विंटरलैंड के थीम पे गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप का इवेंट देखने को नहीं मिलता है तो भाई लकी व्हील कंफर्म, जिसलिए गाइस आप लोग बस थोड़ा सा और इंतजार कर जो मैं कल वाले वीडियो के अंदर पूरा फुल कंफर्म कर देने वाला हूं कि भाई गेम के अंदर कब तक लकी व्हील इवेंट को दिया जाएगा और क्या आप लोग को मिस्ट्री शॉप का इवेंट इस बार गेम के अंदर देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। वैसे हाँ, कुछ और भी अपने डिस्काउंट इवेंट के ऊपर लिंक्स मिला है जो कि अपने हाई रोड इवेंट के अंदर दिया गया है बहुत सारे प्लेयर को, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता तो भाई इसके ऊपर बात करने कुछ फायदा तो है नहीं। सो गाइस देखो, आज के इस वीडियो के अंदर कुल मिला के इतने सारे अपडेट्स था अपने डिस्काउंट इवेंट के बारे में। अब देखना यह कि भाई करने वाले किस वाले डिस्काउंट इवेंट को अपने गेम के अंदर देते हैं, लेकिन इतना तो कंफर्मेशन है कि भाई देखो दिसंबर मंथ पे हर बार आपको कुछ बढ़िया इवेंट गेम के अंदर देखने को मिलता है बिकॉज 2022 का ये लास्ट महीना है, तो भाई करने वाले कुछ ना कुछ बेहतर इवेंट को गेम के अंदर देंगे ही देंगे। बाकी गाइस देखो, यहाँ पर ऐसे भी पॉसिबल है कि भाई करने वाले कुछ बिल्कुल नया डिस्काउंट इवेंट डिजाइन करे जो कि अपने गेम के अंदर आ जाए, जैसा कि मान लो अभी अब तक गेम के अंदर एक बार भी आया नहीं है। बाकी गाइस अब देखते करने वाले किस तरीके से अपने गेम के अंदर डिस्काउंट इवेंट को जो लाते हैं। अगर मेरे हाथ में कुछ और लिंक्स आएगा अपने डिस्काउंट इवेंट को, सो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको जरूर कवर कर दूंगा। सो वीडियो आज का यही तक था, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। गाइस हर दिन की तरह मिलते हैं कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।